भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स गुरुवार 20 जनवरी को एक बार फिर लाल निशान में बंद हुए। पिछले तीन दिनों में बीएसई सेंसेक्स 1800 से ज्यादा अंक टूट चुका है। गुरुवार को सेंसेक्स 634.2 अंक यानी 1.1% की गिरावट के साथ 59,464.6 पर, जबकि निफ्टी 181.4 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 17,757 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजारों में ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब चीन की अगुवाई में दूसरे एशियाई बाजारों में तेजी देखी जा रही है। चीन अपने यहाँ के रियल स्टेट डेवलपर्स पर लगाए कुछ पाबंदियों में ढील देने जा रहा है, जिससे वहाँ के ढहते रियल स्टेट सेक्टर को मदद मिल सकती है। इसके चलते चीन सहित सभी एशियाई शेयर बाजारों में बड़े पैमाने पर तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बने रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर में हालिया करेक्शन के बाद दिन की शुरुआत तेजी से होने का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिखा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, ग्लोबल लेवल पर महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता और अमेरिका रिजर्व बैंक द्वारा संभावित बढ़ोतरी ने घरेलू बाजार के लिए लगातार तीसरे दिन प्रमुख बाधा के रूप में काम किया। आइए बताते हैं आपको कि शेयर बाजार में आज के दिन की गिरावट के पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं। नंबर एक, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की अगुवाई में ग्लोबल सरकारी बॉन्ड यील्ड में इस हफ्ते आई तेज उछाल ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो अभी तक पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी के आदि हो गए थे, जो शेयरों की कीमतों को बढ़ा रहा है। डीलर्स ने कहा कि बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों की ग्रोथ को लेकर उनके अनुमानों को फिर से जांचने और कम जोखिम वाले असेट की तरफ फिर से पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा साल 2022 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ाए जाने का अनुमान है। पहली बढ़ोतरी मार्च में होने की उम्मीद है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। नंबर 2, एफपीआई की तरफ से बिकवाली। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और बाजार में अस्थिरता में बढ़ोतरी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारत जैसे ज्यादा वैल्यूएशन वाले बाजारों में अपने निवेश को कम करने के लिए मजबूर किया है। जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ दिनों के विराम के बाद विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से शेयर की बिकवाली तेज कर दी है। पिछले 5 कारोबारी सत्र के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शुद्ध विक्रेता रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि 20 जनवरी को भी यही पहलू काम किया होगा। नंबर 3, ओमिक्रॉन को लेकर खतरा। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पिछले एक दिन से कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी गिरावट आते हुए दिखी है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के आंकड़े अभी भी काफी ऊंचे बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो मई 2021 के बाद अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी इस बात के संकेत है कि राज्य सरकारों की तरफ से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां आगे कुछ समय के लिए और जारी रहेंगी और शॉर्ट टर्म में ये आर्थिक गतिविधियों में बाधा बन सकती है। कमजोर अर्निंग्स। ये कंपनियों की तरफ से दिसंबर तिमाही से अपने वित्तीय नतीजे जारी करने का मौसम है। 1-2 मामले छोड़ दें तो अभी तक निवेशकों को कंपनियों के प्रदर्शन से खुश होने की कोई बड़ी वजह नहीं मिली है। एनालिस्ट के मुताबिक जिन कंपनियों ने अभी तक अपने नतीजे जारी किए हैं, वे या तो उम्मीदों के मुताबिक रही हैं या कुछ बेहतर अनुमानों से चूक गई हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो ब्रोकरेज फर्म्स को नए फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। मार्केट के इनसाइट खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।